वालेकुम नाजरीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नासिर जुनेद मामले में पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि पहले एफआईआर में नाम दर्ज होता है, फिर एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद मोनू मानेसर को क्लीन चिट देती हुई राजस्थान की भरतपुर पुलिस नजर आती है, जहां हत्यारों को क्लीन चिट दे रही है और हत्यारों के खिलाफ खड़े होकर के कोई एहतजाज कर रहा है, अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है। और ये नोटिस किसी और को नहीं बल्कि नासिर जुनेद के भाई को भेजा गया है कि आप गिरफ्तारी को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सोचिए, मुसलमान अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी ना उठाए, मुसलमान ही मारा पीटा जाए, मुसलमान ही जिंदा जला दिया जाए, पर मुसलमान खामोशी से उसे सब सहन करता रहे, उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। तो वहीं हथियारों के समर्थन में जो लगातार पंचायतें हो रही हैं और महापंचायतों में किस तरीके से दंगे फसादी वाली भाषा बोली जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर यहां हथियारों के खिलाफ नासिर जुनेद का परिवार सड़कों पर उतरा तो पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस भेज दिया गया, और इस नोटिस के बाद जो है तमाम जगहों पर एहतजाज देखने को मिला है, जो कि मेवात से तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से तमाम वीडियो मेवात से इस गुस्से को लेकर के आए हैं, इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना इस वीडियो में, जहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नासिर जुनेद को इंसाफ दो के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें जिसके वीडियो लगातार लोगों के सामने हैं। और जब नासिर जुनेद के परिवार को यह नोटिस भेजा गया है तो किस तरीके से जनसैलाब नासिर जुनेद के लिए मेवात में उमड़ा, ये तस्वीर लोगों के सामने है। और नोटिस के बाद नासिर जुनेद के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजस्थान में जुनेद और नासिर केस में अब नए नए मोड़ जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज परिजनों और इलाके के लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद भरतपुर के घटमिका गांव में धरना दे रहे लोगों को पहाड़ी मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाए हैं, जहां जुनेद नासिर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजनों और इलाके के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है। इसके बाद पहाड़ी मजिस्ट्रेट की तरफ से सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत कारण बताओ नोटिस आया है, और 23 फरवरी को नोटिस में उन्हें 27 फरवरी को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पहाड़ी की अदालत में पेश होने और ये बताने का आदेश दिया गया है। इस नोटिस में हनीफ मौलाना, जाबिर घाटमिका, मुखियार अहमद, फखरुद्दीन मास्टर, कामिल वसीम अकरम, निसार अहमद, असर अहमद, सद्दाम हुसैन, चांद रहीस और सद्दाम सहित कुल 12 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। जुनेद और नासिर 15 फरवरी को लापता हो गए थे। दो जले हुए शव हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में मिले थे। परिवार के सदस्यों ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि हत्या में
बजरंग दल के सदस्य शामिल थे। राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है और 8 अन्य की पहचान की जा रही है, जिनकी इस केस में भूमिका अब तक की जांच में साबित हुई है, जो कि प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में मौलाना हनीफ का नाम भी शामिल है। मौलाना हनीफ अलवर के रहने वाले हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम तो कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, हमें बताया जाए कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से हमारी सीधी मांग है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इस केस में तो ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी जो हुई है उस पर लीपापोती चल रही है। जुनेद नासिर के लिए इंसाफ की मांग करने वालों में मोहम्मद चांद भी शामिल है और इनका नाम प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में शामिल किया गया है। मोहम्मद चांद ने कहा कि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो हम लोगों को टॉर्चर कर रही है। यहाँ के MLA कांग्रेस से जाहिदा खान है। प्रोटेस्ट करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रोटेस्ट बंद कर दिया जाए और मामला जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और आरोपियों को ऐसे ही छोड़ा जाए। गांव वालों को भड़काया जा रहा है। प्रोटेस्ट में आसपास के इलाकों के लोग भी आते हैं। विधायक का जाहिदा खान के लोगों द्वारा उन लोगों को आने से रोका जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी, प्रोटेस्ट में ना शामिल हो। मोहम्मद चांद ने आगे कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी हम प्रोटेस्ट नहीं बंद करेंगे। हमारी मांग है कि मोनू मानेसर गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो मुआवजा कन्हैया की हत्या वाले केस में दिया था वही इस मामले में भी दिया जाए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, हमें दोहरी आंख से ना देखा जाए। प्रोटेस्ट में शामिल अलवर के रहने वाले अब्दुल बासित नाम के शख्स ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और हम नोटिस दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट बंद कर दिया जाए। विधायक जहीदा खान ने वादा किया था कि पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 15-15 लाख सरकार की तरफ से और 5-5 लाख उन्होंने अपनी तरफ से देने को बोला था। इसके साथ ही उन्होंने जॉब दिलवाने की भी बातें कही थी। जाहिदा खान ने यह भी वादा किया था कि मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाए करवा दी जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा था, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो मजबूरी में हम लोग धरने पर बैठ गए हैं। अब्दुल बासित ने कहा कि जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो हम लोगों ने पुरजोर खिलाफत की थी और उन आरोपियों के खिलाफ, उन हत्यारों के खिलाफ भी बुकुल फीका था। उस मामले में मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर गए और मुआवजे के साथ नौकरी दी गई, लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है? हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? हमारी सिर्फ 2 मुख्य मांगे हैं, 1 आरोपियों और FIR में नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। हमने मामले को और अच्छे से समझाने के लिए कांग्रेस विधायक जाहिदा खान से बात करने की भी लगातार कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कॉल नहीं उठाए जाने पर उनसे संपर्क नहीं हो सका है। तो कि किस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जुल्म के खिलाफ बोलने पर भी नोटिस भेज दिया जा रहा है, जो कि चाल चरित्र चेहरा राजस्थान पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।